गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऐसा इशू है बट फिर भी आपको पता है यहाँ आते ही ना आप सबको देखकर तो जोश सा स्पेशली चढ़ जाता है। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। एंड एक प्रश्न से शुरुआत करती हूँ मैं आज। कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में उठना सेहत के लिए और मेंटल और फिजिकल सेहत के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा है? हाथ खड़े कर लीजिए। सभी लोगों को पता है। ग्रेट। अब दूसरा प्रश्न ये है कि कितने लोग इस काम को करते हैं? ग्रेट, वेरी गुड। ये मेरा प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि इस लाइफ में कभी भी कामयाबी का जो पैरामीटर तय किया जाता है, सक्सेस कितनी है आपके पास, आपकी कथनी और करनी को जब आप इक्वल कर लेते हैं तो वहां पर आपकी कामयाबी आपके हाथ में आ जाती है। जो सिखाया गया, जो बताया गया, उसको जिस दिन आपने कर लिया, आप महसूस कीजिएगा उस जगह आपने कामयाबी हासिल कर ली है। और अभी जब हाथ खड़ा हुआ था तो पहले ऑलमोस्ट 90% लोगों को पता था, बट जब दूसरी बार क्वेश्चन किया कितने लोग करते हैं तो उसमें से कुछ हाथ नीचे आ गए थे। फ्रेंड्स, सक्सेसफुल होने के लिए जो मुझे समझ में आता है कि तीन तरीके का एटीट्यूड बड़ा निर्भर करता है एक व्यक्ति के अंदर। ये तीन बातें अगर होती हैं जो आप कॉमनली देखेंगे यहाँ जितने भी सक्सेसफुल लोग इस इंडस्ट्री में हैं या कहीं भी किसी भी फील्ड में हैं। सबसे नंबर वन कि उन्हें पता है कि डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। दे नो हाउ टू डिसिप्लिन देमसेल्व्स। एंड डिसिप्लिन के अंदर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि आपको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वट एवर इट टेक्स, मुझे कामयाब होना है, जो भी करना पड़ेगा या कर पाऊंगी वो मुझे करना ही है। ये एटीट्यूड शुरू से दिन से बनाना पड़ता है और सक्सेस तभी मिलती है जब आप कुछ सेक्रीफाइस कर लेते हैं। Am I right? Yes. बहुत लोग यहाँ कर रहे हैं, बहुत लोग तैयार होंगे और बहुत लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरा, अपने आपको ऑर्गेनाइज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपका दिन, आपका एक्शन कितना ऑर्गेनाइज है उस बात पे आपकी सफलता निर्भर करती है। मेरा आज का दिन कैसा गया, मैंने आज के दिन क्या एक्टिविटीज करी, क्या एक्शन लिया, मुझे क्या करना है, मेरे रोज का लिस्ट, जो कहते हैं ना रोज का पता होना चाहिए, मेरी डायरी मुझे बतानी चाहिए। और मेरा बॉस इस सिस्टम में हमेशा डायरी रहा है। अपने बॉस को, यहाँ कोई बॉस तो है नहीं ना ऊपर आपके, कोई है यहाँ पर? सब इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है यहाँ पर। तो आपका बॉस आपकी डायरी है, ये हमने बनाया है शुरू से और आज तक हम उसे कैरी कर रहे हैं। दूसरा एटीट्यूड है कि आप अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करें, जो बहुत देर से सरोज जी आपके साथ शेयर कर रहे थे। तो सक्सेस के लिए प्रोग्रामिंग एवरी डे करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। और वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, अगर आप डेली उसको अफर्मेशन नहीं कर रहे हैं ना, तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन आएगा लाइफ में, वो तो ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, तो हम फिर ऐसे वाली सिचुएशन में तो ठीक नहीं है। वो सबको पता ना, एक लाइन आ जाती है तो कहाँ क्या होता है, गए फिर। तो ऐसे ऐसे मतलब बहुत अच्छा है, बट उसके अंदर अपने आप को बनाए रखने के लिए एवरी डे यू नीड टू प्रोग्राम योर माइंड फॉर सक्सेस। और ये आपको कई बार बताया जाता है, इसलिए मेरा पहला प्रश्न था कि कितने लोग जो जानते हैं वो करते हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि सक्सेस अपना टाइम लेती है, सक्सेस टेक्स इट्स ओन टाइम। अपनी मेरी सक्सेस का पैरामीटर 2 साल 3 साल 1 साल 6 महीना मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊँ या जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती हूँ, तब तक मैं कंटिन्यूअसली एक्शन लूंगी, कंटिन्यूअसली मैं मेरे माइंड को प्रोग्राम करती रहूंगी और जो करने को कहा जाता है वो मैं करती रहूंगी, तो निश्चित 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 सफलता मिलेगी। समय की गारंटी मैं बिल्कुल नहीं दे सकती, पर गारंटी इस बात की जरूर दूंगी कि आपको कामयाबी मिलेगी जरूर। सो विद दिस, थैंक यू सो मच।